हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है आलू की सब्जी, जिसमें प्याज, लहसुन और टमाटर हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। सो फ्रेंड्स, रेसिपी के अंदर आपको बॉयल्ड आलू चाहिए और इनको इस तरीके से मैश कर लेना है। और आपको प्यूरी के लिए जो है वो चाहिए हमें 4 से 5 चम्मच दही। दही के अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी इसमें गाँठें ना रहें। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर आपको एक फ्राई पैन लेना है, उसमें आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। अभी जब घी हमारा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद जो प्यूरी हमने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम चलाते रहेंगे जब तक बॉयल अच्छे से ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है और दही फट ना जाए इसके लिए हमें करछी से चलाते रहना है। जब ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी, इसके अंदर हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो जो लोग अपने फास्ट में कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं करना चाहते, वो स्किप कर सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब फ्रेंड्स, जब ये ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। जितना हमें तरी चाहिए उतना हम पानी इसमें ऐड कर देंगे और फिर बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जब इसके अंदर उबाल आने चालू हो जाएंगे, तब हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार है। इसके अंदर फिर हम जो हमारे आलू हैं बॉयल्ड किए हुए वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर पकने के लिए 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।